दिल्ली में कुछ टूल वालों से बात किया और बात करके मैंने उनसे सीपीयू खरीदे। मैंने बोला ये सीपीयू खरीदना, मैंने बोला मुझे सीपीयू खरीदना है सर। अभी सीपीयू को कौन खरीदता है इंडिया में? कोई नहीं खरीदता है। देना क्यों? मैंने बोला सीपीयू खरीदने सर, ये सीपीयू इतने फोनों में लग जाता है, X3, Poco S3 और ये Redmi 7, ये बहुत सारे सेटों में लग जाता है, सैमसंग के फ़ोन में लग जाता है, रेडमी ये Note 10 में लग जाता है। तो ये सीपीयू खरीदता और ये सीपीयू मेरे को ओरिजिनल होना, ओरिजिनल चाहिए। कौन सा चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। आई वॉन्ट दिस सीपीयू ओरिजिनल, मतलब ये सारे सीपीयू मुझे ओरिजिनल चाहिए जो इंडिया में मिलते ही नहीं है। अब मैंने यहाँ लिखा मैडम ये सीपीयू अगर नए चाहिए, नए वो अगर बोर्ड से उतरे हुए तो नहीं चाहिए, ये ब्लैंक सीपीयू होने चाहिए, ठीक है ना? मतलब कंपनी वाले ओरिजिनल नहीं हो। क्या बोला मैंने उनको? बोला मैं क्योंकि मैडम तो क्या उन्होंने बोला, मैंने बोला सीपीयू है, सीपीयू मिल जाएगा, 300 रुपये का सीपीयू दे रहे, पॉसिबल ही नहीं। ये सीपीयू कम से कम 2000 रुपये का आएगा, 300 रुपये तो पॉसिबल ही नहीं है। 300 रुपये का सीपीयू कौन दे रहा है? वो सरकार कैसा दे रहे हैं? अरे पागल हो क्या? ये सीपीयू ब्लैंक सीपीयू है, ये सीपीयू हमें वहां काम आता है जब हमारे किसी भी फोन का फाइल मॉडिफिकेशन नहीं होता है, यूएमसी चेंज नहीं होती है जिस फोन की, जिस फोन की वहां से ये सीपीयू काम करता है। अगर वहां पर ब्लैंक सीपीयू लगाओगे तो वहां कोई भी फ्लैश फाइल उसी की डाल के वो साइट ऑन किया जा सकता है, बट हमारे को नया सीपीयू होना। बट सीपीयू के प्रॉब्लम और सीपीयू खरीदने के लिए लोग जितने भी पैसे देने को तैयार आज के टेक्निशियन में, क्योंकि उनके 20-30 हज़ार के मोबाइल उनको चालू करना, क्योंकि कई सीपीयू डैमेज करके बैठे हुए हैं और कई उसकी ईएमसी डैमेज करके बैठे हुए हैं, और हर ईएमसी चेंज नहीं हो सकती है 100 में से 10, अगर मैं बात करूँ 90 हो जाएगी, सो वो 10 ईएमसी भी चेंज हो सकती है, पर अगर उसका क्या हो? नॉलेज नहीं है लोग। देखो दिल्ली में बैठे इतने बड़े डीलर और ये 300 रुपये में बेच रहे सीपीयू, 300 रुपये मतलब मैडम हमसे ले रहे हुए सीपीयू 150 में, हम दे रहे हैं, हमारे तो मेरे पास तो इतने स्क्रैप है, पर हमको ये सीपीयू नहीं चाहिए ना, हमको चाहिए ड्राई सोल्ड सीपीयू। पहली बात तो जिस पर रंगा लगा नहीं होना चाहिए और उसके पॉइंट गोल्डन होने चाहिए। कैसा होना चाहिए मैं दिखाऊंगा जब नैंड प्रोग्रामिंग यहाँ पे लाइव बताऊंगा। 7 iPhone 7 की नैंड अपग्रेड करेंगे, लाइव नैंड को बदल के 64 GB की जगह 128 GB करेंगे, तो उधर गोल्डन नैंड लगाएंगे एकदम नवा जो बिल्कुल कंपनी से आता है, जैसे उसमें प्रोग्राम अलग से सीपीयू चेंज कौन कौन सीखना चाहता है आगे जाकर, चाहते हो ना? स्टेप टू स्टेप चलो। अभी तक जितना भी सिखाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान देना, डाउट बनेंगे तो बनने दो, क्योंकि ये डाउट आज अगर बन रहे हैं तो नॉलेज की वजह से बन रहे हैं, और यही नॉलेज डाउट कल ना परसों क्लियर होने ही वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्लियर नहीं होगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो ये सीपीयू, ये सीपीयू मैंने, ये सीपीयू मैं इंडोनेशिया में खरीद रहा हूँ। तुम देखो ये सीपीयू कितने का बोला दीपक सर? SM7150। अब देखो यहाँ देखो SM7150 सीपीयू, ये लिखा बाय, एंटर मारो अभी गूगल में, देखो AliExpress बेच रहे हैं। इंडिया में कोई वेबसाइट बेच नहीं सकता ओरिजिनल, ये होता है ओरिजिनल। अब ये सीपीयू कितने का होगा? यहाँ पर अगर हम इसको खरीदेंगे, और हमने भी एक चलाया 1100 का, तो ये बता रहा है वो भी विदेश में, अभी कस्टम ड्यूटी लगाएगा भेजेगा तो दे देखेंगे वो डबल 100% कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्टेड में, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो भी नो स्टॉक बता रहा है। कौन सा स्टॉक बता रहा है? और ये हमारे इंडिया की वेबसाइट नहीं है, फॉरेन की वेबसाइट है, 1100 रुपये में बता रहा है यहाँ पर। तो ये CBA भी ICA बता रहा है, तो ये अगर हमारे पास में ICA होंगी ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ICA नहीं होंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी की डेट में आपके फोन में सिर्फ रिबोलिंग से सेट चालू नहीं, रिबोलिंग से सेट चालू नहीं, हेलो नहीं, हमारे डायरेक्ट सेक्शन में अगर सीपीयू चेंज भी करना पड़े तो एक फोन जरूर मन करूंगा, अगर सीपीयू चेंज भी करना पड़े तो चेंज भी करूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? उतने लेवल तक सीखेंगे कि सर क्यों कर जरूरत पड़ती है सीपीयू चेंज करने की, और सीपीयू चेंज किया तो नॉलेज पे बहुत
क्योंकि सीपीयू चेंज करेगा सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना फ्लैशिंग और प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना किसका विदाउट सॉफ्टवेयर विदाउट प्रोग्रामिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग यू जस्ट पुट ऑन सीपीयू ऑन योर मोबाइल एंड नथिंग कुछ भी नहीं होना नथिंग सिर्फ या तो लोगों पर स्टक हो जाएगा या तो लोगों पर भी नहीं आएगा तो इसलिए हमको बहुत ईमानदारी से जितना सिखा रहे हैं उस पर फोकस करो टुडे यू फोकस ऑन व्हाट यू अर्न अभी क्या अर्न किए कुछ भी एक सेकेंड ऊपर मत सोचो आज का पढ़ लो आज के दिमाग में रखो क्योंकि कल का कल में पढ़ेंगे ठीक है जाओ एंड जाके अभी दीपक सर डायरेक्टली नोट सेवन से ही आप चेक करते हो आईसी निकाल कर तो एक जगह पर भी ऊपर आता है क्यों आईसी लगाएंगे तो ही तो रीडिंग आएगा बोलो एंट्री पे क्या आता है क्यों क्यों आईसी आउटपुट देता है आईसी जिया देता है आईसी जिया तो आप तुम एक काम करो कनेक्टर लगा के जिया चेक करो हाँ अगर तुम कनेक्टर लगा दोगे और अब जिया चेक करोगे तो वहां पर कनेक्टर का रिवर्स जिया रहेगा कनेक्टर का अगर वो आ गया तो इसका मतलब है कि ट्रैक एकदम देखो चेक करेंगे डाल दो अभी कनेक्टर का रिवर्स जीआर चेक करेंगे अब देखो अब यहां पर लगाएंगे डायोड मोड पे डालो तो मैंने रेड को यहीं पे रखा हुआ है अब देखो यहां पर लगाएंगे और जिया देखे आगे जिया मतलब ये लाइन कहां पर जा रही है जल्दी बताओ और कनेक्टर हटा दूंगा तो जिया आना क्या हो जाएगा देखो कनेक्टर हटा दिया आ रहा है क्या अब कनेक्टर लगा दूंगा अब ध्यान देना आ गया अब एक चीज और बताता हूं एक चीज और देखो ये वाला एक मोबाइल कहा है जिसको अपन ने चेक किया था ये अब एक चीज और देखता हूं देखो नोटिस करो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कहा गया है एक्चुअली अब मैं डायग्राम पे जा रहा हूं पहले डायग्राम को देखो तो छोटे से छोटे डायग्राम से बड़े से बड़ा पहले सौमी में जाते हैं फिर ओपो में जाएंगे और सारे डायग्राम वनप्लस के बोलेंगे कोई टेक्नो के भी डायग्राम बोल लेंगे देखिए यहां पर तो कम होना चाहिए जनरली 600 से कम
ये सीपीयू से ज्यादा डाटा है, अगर 600 से ज्यादा भी जीएसआर है तो सीपीयू को रिपोर्ट करना है। अब दान दो, इसको जूम करवाता हूं। अब नोटिस करो, अब जैसे देखो यहां पर क्या लिखा है, बीपी डाटा सप्लाई इन आउट लेन टू, मतलब डाटा टू और निगेटिव पॉजिटिव, ये डाटा वन और इसके बाद ये क्लॉक की सप्लाई, ये स्पीड चेक करती है, और ये डाटा जीरो और ये डाटा तीन। तो इस तरह से पांच कॉइल होते हैं, कितने कॉइल होते हैं, पांच कॉइल। अब ध्यान दो, अब इस कनेक्टर पर ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या वोल्ट, प्लस 5 माइनस 5 वोल्ट,
उधर मत देखो, हाँ 1.8 वोल्ट है, प्लस 1 माइनस 5 10 सेकंड। बीपी की 10 लाइन है, बीपी की 10 लाइन है, रीसेट की लाइन, रीसेट की लाइन, टी टी की लाइन, टी आईडी और आईडी, टी और आईडी, आईडी बैठे, अब ध्यान देना, बैठो बैठो, तुम्हें फिर से आज कर, चलो बोलो, पहला 1.8, दूसरा माइनस 5 और माइनस 5 तो प्लस भी होगा, इसमें क्या करा, इसमें रचना और क्या होना, प्लस 5 माइनस 5, माइनस 5 बनते हुए देखेंगे अब, इन वोल्टेज को हम बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि प्लस 5 कहीं से नहीं बना जा सकता, तो बूस्ट है, और प्लस 5 बना लिया तो माइनस 5 कहां से बनाओगे, माइनस 5 वही डेडिकेट आईसी बनाएगा, ठीक है, प्लस 5 माइनस 5 1 मिनट, बीपी की 10 लाइन, अब 3 लाइन बची है बस, 3 लाइन, टी वेरी गुड, टी डी 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 व्हाट डी आईडी आईडी और एक वो जो एक एक सप्लाई हट के दूसरी आती है, एक सप्लाई हट के दूसरी आती है, एक सप्लाई हट के दूसरी आती है, रिसेट, तीन लाइन बोलो, रिसेट आईडी टी, फिर से बोलो, रिसेट आईडी टी, फिर से बोलो, रिसेट आईडी टी, सब लोग बोलो, रिसेट आईडी टी, फिर से बोलो, रिसेट आईडी टी, मैं इसलिए मैं पहली बार ऐसा हो रहा कि कोई याद करा रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग मैदान है, टेक्निकल है क्योंकि ये कॉमन है, इसके अलावा कुछ आते ही नहीं है इसमें, आईपीएस डिस्प्ले में सिर्फ 3 सप्लाई आती है, बोलो, रिसेट आईडी टी, अब बचा है मिपी, तो सीपीयू खत्म, अब ग्राफिक्स आईसी प्लस 5 माइनस 5, और उसको सबको वोल्टेज देने के लिए पहला इनपुट, अब तो ओप्पो का A1 के है, किसका, बोलो, जब इस लाइन को चेक करेंगे, इसको डिस्प्ले को लगा के चेक करना, अभी चेक करा, मैं चेक कर रहा हूं, अभी मैं तो डायग्राम में चेक, पहले मैं डायग्राम समझ, मैं नहीं चाहता कि कल ये बोलो कि डायग्राम में ये समझ में नहीं आया, सप्लाई ढूंढने में मैं चाहता हूं कि सब अगर डायग्राम खोलो तो आपको हर चीज समझ में आए, अब देखो ओप्पो का A1 के है, यहां पे क्लिक किया, यहां खोला, अब यहां पर देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, और उसके साथ में क्या दिया हुआ है, बोलो, अब सबसे पहले बताओ ये क्या लाइन है, नहीं टच है, टच में, टच में टी 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 सी होता है और टी एस होता है, क्या होता है, ये तो टी डी है ना, टी डी मिपी, टी डी को ऑलवेज मिपी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फिर से याद कर लो, टी डी मतलब मिपी, और टी डी 10 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, और एक जो टी सी होगा वो खाली क्लॉक के लिए होगा, किसके लिए होगा, टच में कभी एन एन ओ टी नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में ही होता है, अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा इनका क्या काम चल रहा है, तो बाहर बिठा दो, जब आ जाएगा तब देखा, यहाँ पर पहला लाइन कौन सा, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कौन सा, वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कौन सा, इनपुट वोल्टेज, आप देखो कितनी ऊंचा क्या आ रहा है, क्योंकि VIO अदर साइड ऑन ही नहीं होगा तो ये आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, सारे VIO ये नेटवर्क पे भी जाते हैं, हर जगह ये जा रहे हैं, हर जगह ये पढ़ने वाले हैं VIO, अब बताओ दूसरा कौन सा, तीसरा सिर्फ ओप्पो और वीवो में, बोलो प्लस 5 प्लस 6 भी हो सकते हैं, किसमें कौन है, अकाउंटिंग के रैंडमली कुछ कुछ में जैसे 9A में होता है प्लस 6 तक आ जाता है, मैक्सिमम 6 अभी 6.2 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, मैक्सिमम 6, और अगर माइनस भी आएगा तो माइनस 5.9 आएगा, अपन चेक करेंगे ना, तो अब बताओ अब इसकी आईसी देखिए तो इसमें आईसी कौन सी लगी है, तो सर ग्राफिक्स आईसी में 15 वोल्ट का डेडिकेट या तो फिर पीएमआई सब पावर, या तो डेडिकेट या तो सब पावर, अगर हम आईसी देखें तो यहां पर देखो 15 वोल्ट का डेडिकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हां ओप्पो के A1 में, यहां पर इसको ढूंढना सीखेंगे बहुत इजी है, चलिए अब हम बात करें वापस जाएं, अब देखो भैया बताते हैं ना ग्राफिक्स का 1.8 -6 तो यहाँ पर हमारा देखेंगे हमारा आईडी, ये आईडी इधर आ रहा है ना, यहाँ पर तीन लाइन है आईडी की, आईडी 0, आईडी 1 और आईडी 2, तो तीनों लाइनों को हमें सिर्फ यहाँ पर जिया चेक करना है, यहाँ
का खोलता हूँ, जैसे रियलमी 4, अब रियलमी 4 का खोला, अच्छा तो डाल दो, फिर से लास्ट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ चले जाऊंगा। अब फिर से मैं तुमसे कह रहा हूँ, पहला क्या डूबेगी, दूसरा -5 -6 भी हो सकता है, तो जैसे बेटर, तीसरा चेक करेंगे रियलमी 4 का है, मेबी मुझे लगता नहीं है ये हमारा यहाँ का है, ये वाला रियलमी 4 ये इंडोनेशिया का होगा, क्योंकि ऐसा सेट हमारा 4 का आता नहीं है। 3 का देखेंगे, तो ये ऐसा सेट आता है हमारे, ठीक है, फोन के वो तो बहुत पुराने टाइप का फोन लग रहा है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर डिस्प्ले करेक्टर बजाएंगे, डबल टिक करेंगे, और यहाँ पर ये तो सारे 10 कॉइल हो गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, बोलो, ये 10 लाइन बीपी और ये 3 लाइन आईडी, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियलमी जैसे ओप्पो जैसा ही है, जैसा बिल्कुल ओप्पो जैसा है। ये लाइट यहाँ पर, ये हमारा अगर हम बात करेंगे ये टच का है, किसका बोलो, क्यू टीपी, ये विशो मॉक्सी सब टच के होते हैं, टच में बताएंगे। अब जो तो मेन है ये देखो, बोलो बोलो बोलो, तो आप मुझे बताओ कि कौन कौन चेक करेगा, डायग्राम चेक, कौन कौन डिस्प्ले की लाइन, पक्का दिमाग में बैठी, आप प्रैक्टिकल में आप चेक करेंगे, दीपक सर बैठ गए। अब दाम तो सब लोग देखो, अब हम अपनी बात समझना, मेरा सिक्वेंस कैसा पढ़ाने का, मैं सुबह से बैठो, मैं सुबह से ही सोच रहा हूँ कि सिक्वेंस कैसे ला, हालांकि मैंने कितनी हजारों क्लासेस दी होंगी ग्राफिक्स की, पर आज मेरा सिक्वेंस में नया कुछ बना रहा। मैंने आपके साथ सोचा कि मैं सबसे पहले ना ग्राफिक्स का कनेक्टर पढ़ा दूं, अब दूसरी बार अब हमें कनेक्टर पढ़ना आ गया, अब हम प्रैक्टिकली बोर्ड में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, तो अगर हम बोर्ड में नहीं फंसे तो हम किसमें चले जाएंगे, सर्किट में चले जाएंगे, तो हम अपना पढ़ना आएगा ही ना, तो हम देखते हैं कि कहां तक फंस रहे, कहां तक मतलब जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक निकाले, और जहां हम बचे वहां पर कहां से पता करेंगे, तो दोनों मिल गया ना एक से, तो अब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई भी डायग्राम नहीं, और देखें कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं, और अगर हमें जो निकालना आ गया तो ठीक है, जो नहीं निकालना है वो तो ये है। दीपक सर कितने पेज है गिनना, ये है वीवो का Y81, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और पिन ऐसे लिखना है कि यहाँ पे आपको जीआर लिख सके, ठीक है, बनाओ। अब देखो कैरेक्टर का जीआर बनाने से कितना फायदा होता है, तो सबसे पहले तो एक चीज निकाल लेंगे, दो करेक्टर के जीआर बनाऊंगा, उसके बाद कुछ चेक करवाऊंगा, फिर मैं करेक्टर के जीआर पर वापस पहुंचूंगा, किस करेक्टर का जीआर क्यों निकालना, किस कंडीशन में निकालना है। चलो दीपक सर यहां से बोलना चालू करो, कहीं से भी एक जैसे से बोलना चालू करो, कहां से बोल रहे हो बता, ये तो मैं यहां लिखूंगा, बोलते जाओ। पहला तुमको मेरा देख कर बोलना है, बोलो, ग्राउंड 00002, ग्राउंड में डालो 002, ये भी ग्राउंड, ये भी 002, ओएल ओएल, अगला
ओएल डालो 811 810 लिख लो 811 576 लास्ट 3 577 लास्ट 2 राइट नहीं आ रही है ग्राफ का पॉइंट नहीं है ये किसका पॉइंट होगा लाइट का बूस्ट वोल्टेज देखेंगे कौन सा वोल्टेज जो कि कल देखेंगे आज नहीं बनाएंगे इसको 100% पर स्टेप टू स्टेप तो सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट भी टेढ़े मेढ़े हैं तो अभी हम कैसे बनाएंगे देखो हम फोन को चालू कर रहे हैं ध्यान देना अभी कैसे फोन को चालू कर रहे हैं अब सब लोग यहाँ पर दीपक से ऊपर चालू करके यहाँ पर दिखा एक मिनट देखो सब लोग ये दिखाओ दीपक से पहली बात सबसे बड़ा मार्केट में स्कैम बताऊं तुम्हें अगर तुम्हें पता हो या नहीं पता हो कस्टमर कर रहा है तुम्हारे साथ कैसा और कस्टमर और सबसे ज्यादा बड़ा स्कैम दुकान वाले कर रहे हैं कैसे भैया फोन चालू है वो ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तुम बना दो अच्छा ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो ठीक है बना देते हैं तो तुमने तुम्हारे यहाँ छोटू और कोई भी हो भैया ग्राफिक्स के लिए हाँ रख ले फोन ले ले एक बार देख ले चेक कर ले हाँ भैया वो चालू नहीं कर वो बैटरी लो बैटरी है आप उसको बूस्ट कर लेना कोई नहीं चालू होता है भैया कोई ग्राफिक नहीं आ रहा है ऐसे कभी कोई फोन मत लेना जब तक कस्टमर के सामने फोन चालू ना करवा लो क्योंकि डेड फोन हाथ में आ जाएगा yes, और कस्टमर बोलेगा डेड बना होगा मैंने तो चालू दिया था समझ में आ रहा है मेरी बात कैसे आएगा डेड आएगा ऐसे में तो अभी तुम कैसा पता करोगे कि वो चालू है बैटरी को भैया रुक जा बैटरी को बूस्ट करो बैटरी को बूस्ट करो निकालो उसके बाद बैटरी लगाओ और फिर चार्जिंग लगा के एम्पियर चेक करो दिखाओ एम्पियर यहाँ पर ये देखो ये एम्पियर चेक करो यहाँ पर दिखाइए यहाँ पर ये यहाँ पर इसको दीजिए ऊपर दिखाइए इसको उठाओ दीपक सर इसको इसको सेट करो इसमें वो लगाओ अगर आपका सेट में वो बोलता है ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है तो कोई और प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए ना सर सर है ना कि चार्जिंग भी मरी हुई है और अगर चार्जिंग भी मरा हुआ है तो भैया उसको बोलो भैया ये सेट तुम्हारा फॉल्टी है क्या पता नेटवर्क भी ना आ रहा हो टच भी ना चल रहा हो तुम तो मेरे को कुछ भी पकड़ा दो समझ रहे हो देखो अगर कस्टमर श्योर है नहीं भैया ग्राफिक्स नहीं आ रहा है पक्का है चार्जिंग वर्जन सब ओके है तो भैया ठीक है चार्जिंग ओके है तो चार्जिंग लगाने पर ये एक एम्पियर के ऊपर आना चाहिए किसके आना चाहिए अगर ये एक के नीचे रहा जैसे तब से इंपॉर्टेंट 0.60 में किसमें तो उसमें सबसे पहले बैटरी को ये देखो कि 3.7 वोल्टेज है या नहीं है और अगर 3.7 वोल्टेज हुए और ये 0.60 में रहा तो ये डेड है ये डेड है ये सीपीयू एमएमसी का रीडिंग होता है क्योंकि यहाँ आपका सीपीयू एमएमसी पे आ जाता है या तो एमएमसी की प्रोग्रामिंग पे आ जाता है तो 0.60 तब आ जाती है सेटों में रीडिंग सो दिमाग में रख लेना ये लेना नहीं बोलना भैया मैं इसको डेड में लूंगा मैं लूंगा ही नहीं ग्राफिक्स में मैं ये कह रहा हूँ मैं लगा के चेक करवा रहा हूँ मेरी बात समझना मैं आपको यहाँ पर दो वोल्टेज नोट करवाता हूँ सब लोग ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ इसको कहते हैं एम्पियर टेस्टर क्या बोलते हैं जल्दी बताओ यूएसबी एम्पियर टेस्टर क्या बोलते हैं बोलो एम्पियर टेस्टर अभी क्या अगर मैंने लगाया और अगर ये एक एम्पियर के ऊपर आ गया किसके ऊपर आ गया जल्दी इसमें कितने जीरो होते हैं पहले जीरो देखो जल्दी इसके अंदर 3 जीरो होते हैं डिसम्बर के बाद 2 जीरो होते हैं खाली सो ले देखे यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो एक में आएगी किसमें आएगी और यहाँ मिली में आएगी किसमें आएगी अगर तुम्हारा सेट में तुम चार्जर लगाते हो और एक एम्पियर के ऊपर चला गया तो इसका मतलब है कि तुम्हारा फोन क्या हो रहा है और इसके लिए तुम्हारे को एटलीस्ट कितने डिसम्बर होना बैटरी में अगर तुम चार्जर लगाते हो और तुम्हारा कितना रुक गया तो तुम क्या चेक करोगे और तब भी इसमें है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सेट तुम किसमें ले रहे हो नहीं बताओ ले नहीं मत ये सर ये चालू है सर ये पॉइंट जो है ना ये सर स्टेबल रहेगा या स्टेबल स्टेबल रहेगा और ये जीरो भी हो सकता है
क्योंकि इनके जीरो हुआ तो चार्जिंग खराब मानी जाएगी और स्टेबल रहा तो सीपीयू एमएमसी का रीडिंग, और ये रीडिंग कोई भी हो सकता है, ये पॉइंट 10 पे भी रुक सकता है, पॉइंट 20 पे भी रुक सकता है, ये सीधा सीपीयू की रीडिंग होती है, इसको रैम की रीडिंग बोलते हैं, जो मैं आगे डायग्राम में बताऊंगा, अभी मत पढ़ो इसको। क्यों निकालनी है? क्योंकि अब हमें समझना है कि अंदर ये काम कैसे करती है, या समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? छोटो प्रैक्टिकल करने के लिए समझना है। अब सबसे पहले ध्यान दो, इधर देखो, अब इसका हमें एक बार डाटा सीट चाहिए, क्या चाहिए? तो इधर देखो कंप्यूटर में, यहाँ पे पीसी में, अपने टीवी में छोटे वाले, तो हम क्या करेंगे, किसी भी 15 वोल्ट का आईसी का डाटा सीट खोलेंगे, हम इसका डायग्राम नहीं खोलेंगे, Xiaomi हम ओप्पो वीवो का ओप्पो का खोल लेंगे। सो मैं ओप्पो में खोलता हूँ ओप्पो A83, क्योंकि उधर SM लगी है और जो हमने निकाली है वो LUB है, हमने निकाली है वो LUB, और हम किसको चेक कर रहे हैं? SM। तो हम ओप्पो में जाए, A83 खुला लेआउट में गए। अब सब लोग ध्यान दो, अब यहाँ पर हम ग्राफिक आईसी डायग्राम में कैसे जोड़ रहे हैं भाई, VSP VSA को टिक करो, आईसी लोकेट हो जाएगी। सो हम यहाँ पर डायग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा आ गया डिस्प्ले कनेक्टर, और डिस्प्ले कनेक्टर पे हमारी आधी VP की लाइट है, बोलो किसकी लाइन? ये किसकी लाइन है? ID की लाइन है, और हमें चाहिए रिसेट चाहिए और TE चाहिए, क्या चाहिए बताओ? बस अब हमें से +5 -5 चाहिए, क्या चाहिए बोलो? ये आ रहा है, इसको क्लिक करो और ये पहुंच जाओगे तुम अपना ग्राफिक्स के LCD +5 -5 IC के अंदर। तो ये तुम्हारा IC आ गया, ये LCD 5 वोल्ट ड्राइवर, क्या आ गया बोलो? IC को ड्राइवर भी बोलते हैं और मॉड्यूल भी बोलते हैं, बोलो। तो ये 15 वोल्ट का IC हो गया, पहले तो ये खींचो अंदर का सारा कोडिंग, ये रॉ मटेरियल है, अभी यही खींच लोगे, इसको एक वॉल पेपर बना लो एक दिन के लिए, अब यही देखते रहो ताकि तुम्हारे दिमाग में घंटी बजते रहिए, सारे वॉल पेपर हटा के अपना वो वॉल पेपर बनाओ तो तुमको याद करना है, दिमाग में बिठाना है, 24 घंटे वो चीज देखना, ठीक है? अब चलिए, अब बताइए सबसे पहले क्या बोले, C2। चलो अब बोलो किस किस पैड पर, बोलो लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कभी भी कैपेसिटर हम ग्राफिक्स के किसी भी बोर्ड
देखो अभी हम क्या चेक, अभी तो आउटपुट बनेगा नहीं, बनेगा क्या बोलो? तो अभी ओएल आएगा दोनों पर, क्या आएगा बोलो? बोलो हाँ जी। तो अगर अभी हम चेक करेंगे और डायोड मोड पे करो, सब लोग ध्यान दो, E3 और कौन सा A2, तो ये A1 A2 ये आउटपुट यहाँ पर माइनस वोल्टेज बनेगा। देखो ओएल आ रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर रख के भी दिखाता हूँ, फिलहाल एक जीआर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये बीपीएच का जीआर है, इनका जीआर है, किसका जीआर है? ये मेरा ईवन ईएन का जीआर है, किसका जीआर है? ये मेरा एचडीएससीएल का जीआर है। तो यहाँ पर देखो कोई जीआर आ रहा है क्या? और E3 ये ABCD E1 2 3 E3 आ रहा है क्या? हाँ, तो अभी क्या चेक करना, अब ध्यान दो, अब कनेक्टिविटी चेक करना, क्या चेक करना? अब दीपक सब बीप पर डालो, अब ये चेक करना कि E3 कौन से कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। ये लगा है, लगा ये, ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, ये लगा है। तो ये कैपेसिटर मस्ट होता ही है, नहीं तो किसी और ग्राफ से इसी को निकालो और E3 से देखो कौन सा कैपेसिटर है और वही चेंज करो, क्योंकि ये बस निकाल दूंगा तो ग्राफिक्स आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इसके लिए। और वैसा ही A2 के लिए ये कैपेसिटर, ये नहीं लगा, ये लगा है। अब डाल दो ये दो कैपेसिटर। अब एक चीज और बता रहा हूं, अब सुनो, अब अगर तुमको ये भी चेक करना है कि तुम्हारा ये आउटपुट कनेक्टर तक जा रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है यहां बन रहा हो कनेक्टर पर, समझ रहे हो? तो कैसे चेक करोगे? इसके लिए आईसी उठा के सबसे बेस्ट है। अगर कोई डायग्राम नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं पता नहीं चल रहा, तो कैसे चेक करेंगे? तो जैसे ही आप चेक करते हो आईसी निकालकर, तो E3 पर भी ओएल आता है। क्यों? आईसी लगाएंगे तो ही तो रीडिंग आएगा। बोलो E3 पे क्या आता है? क्यों? आईसी आउटपुट देता है, आईसी जीआर देता है, आईसी जीआर। तो आप तुम एक काम करो, कनेक्टर लगा के जीआर चेक करो। हाँ, अगर तुम कनेक्टर लगा दोगे और अब जीआर चेक करोगे तो वहां पर कनेक्टर का रिवर्स जीआर आएगा। कनेक्टर का अगर वो आ गया तो इसका मतलब है कि ट्रैक एकदम सही है। देखो चेक करेंगे, डाल दो अभी कनेक्टर का रिवर्स जीआर चेक करेंगे। अब देखो अब यहां पर लगाएंगे, डायोड मोड पे डालो, तो मैंने रेड को यहीं पे रखा हुआ है। अब देखो यहां पर लगाएंगे और जीआर देखे आगे जीआर, मतलब ये लाइन कहां पर जा रही है चलिए बताओ। और कनेक्टर हटा दूंगा तो जीआर आना क्या हो जाएगा? देखो कनेक्टर हटा दिया, आ रहा है क्या? अब कनेक्टर लगा दूंगा, अब ध्यान देना आ गया। अब एक चीज और बताता हूं, एक चीज और देखो, ये वाला एक मोबाइल का है जिसको अपन ने चेक किया था, ये। अब एक चीज और देता हूं, देखो नोटिस करो, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कहा गया है, एक्चुअली दिल्ली में कुछ टूल वालों से बात किया और बात करके मैंने उनसे सीपीयू खरीदे, मैंने को ये सीपीयू खरीदना, मैंने बोला मुझे सीपीयू खरीदते हैं सर, अभी सीपीयू कौन खरीदता है इंडिया में? कोई नहीं खरीदता। क्यों? मैंने बोला सीपीयू खरीदने सर, ये सीपीयू इतने फोनों में लग जाता है, X3 Poco S3 और ये Redmi 7, ये बहुत सारे सेटों में लग जाता है, सैमसंग के फोन में लग जाता है, रेडमी के नोट 10 में लग जाता है, तो ये सीपीयू खरीदता हूँ। और ये सीपीयू मेरे को ओरिजिनल होना, ओरिजिनल चाहिए, कौन सा चाहिए ओरिजिनल चाहिए, आई वॉन्ट दिस सीपीयू ओरिजिनल, मतलब ये सारे सीपीयू मुझे ओरिजिनल चाहिए जो इंडिया में मिलते ही नहीं है। अब मैंने यहाँ लिखा फोन का फाइल मॉडिफिकेशन नहीं होता है, इमेंसी चेंज नहीं होती है जिस फोन की। यस सर,
जिस फोन की आज से ये सीपीयू काम करता है। अगर वहां पर ब्लैंक सीपीयू लगाओगे तो वहां कोई भी फ्लैश फाइल उसी की डाल के वो साइट ऑन किया जा सकता है, बट हमारे को नया सीपीयू होना, बट सीपीयू के प्रॉब्लम और सीपीयू खरीदने के लिए लोग जितने भी पैसे देने को तैयार आज के टेक्नीशियन में, क्योंकि उनके 20-30 हज़ार के मोबाइल उनको चालू करना है, क्योंकि कई सीपीयू डैमेज करके बैठे हुए हैं और कई उसकी ईएमसी डैमेज करके बैठे हुए हैं, और हर ईएमसी चेंज नहीं हो सकती है 100 में से 10 अगर मैं बात करूँ 90 हो जाएगी, तो वो 10 ईएमसी भी चेंज हो सकती है, पर अगर उसका क्या हो सीपीयू नॉलेज नहीं है लोग। देखो दिल्ली में बैठे इतने बड़े डीलर और ये 300 रुपए में बेच रहे सीपीयू, 300 रुपए हम दे रहे हैं, हमारे तो मेरे पास तो इतने स्क्रैप है, पर हमको ये सीपीयू नहीं चाहिए ना, हमको चाहिए ट्रांसोल्ड सीपीयू। पहली बात तो जिस पर रंगा लगा नहीं होना चाहिए और उसके पॉइंट गोल्डन होने चाहिए। कैसा होना चाहिए मैं दिखाऊंगा जब 9 प्रोग्रामिंग यहाँ पे लाइव बताऊंगा। 7 आईफोन 7 की 9 अपग्रेड करेंगे, लाइव 9 को बदल के 64 GB की जगह 128 GB करेंगे, तो उधर गोल्डन 9 लगाएंगे एकदम नवा जो बिल्कुल कंपनी से आता है। जैसे ये चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, सीपीयू चेंज कौन कौन सीखना चाहता है आगे जाकर, चाहते हो ना? स्टेप टू स्टेप चलो। अभी तक जितना भी सिखाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान देना, डाउट बनेंगे तो बनने दो, क्योंकि ये डाउट आज अगर बन रहे हैं तो नॉलेज की वजह से बन रहे हैं, और यही नॉलेज डाउट कल ना परसों क्लियर होने ही वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्लियर नहीं होगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखो ये सीपीयू, अभी ये सीपीयू मैंने, ये सीपीयू मैं इंडोनेशिया में खरीद रहा हूँ। तुम देखो ये सीपीयू कितने का बोला दीपक सर? SM7150। अब देखो यहाँ देखो SM7150 CPU, ये लिखा बाय, एंटर मारो अभी गूगल में, देखो अली एक्सप्रेस बेच रहे हैं। इंडिया में कोई वेबसाइट बेच नहीं सकता ओरिजिनल, ये होता है ओरिजिनल। अब ये CPU कितने का होगा? तो यहाँ पर अगर हम इसको खरीदेंगे, और हमने भी एक सेल लाया 1100 का, तो ये बता रहा है वो भी विदेश में, अभी कस्टम ड्यूटी लगाएगा भेजेगा तो दे देखे वो डबल 100% कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्टेड में, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो भी नो स्टॉक बता रहा है। कौन सा स्टॉक बता रहा है? और ये हमारे इंडिया की वेबसाइट नहीं है, फॉरेन की वेबसाइट है, 1100 रुपए में बता रहा है यहाँ पर। तो ये भी ICA बता रहा है, तो ये अगर हमारे पास में ICA होंगी ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ICA नहीं होंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी की डेट में आपके फोन में सिर्फ रिबोलिंग से सेट चालू नहीं, रिबोलिंग से सेट चालू हमारे डायरेक्ट सेक्शन में, अगर सीपीयू चेंज भी करना पड़े तो एक फोन जरूर ऑन करूंगा, अगर सीपीयू चेंज भी करना पड़े तो चेंज भी करूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? उतने लेवल तक सीखेगी कि सर क्यों कर जरूरत पड़ती है सीपीयू चेंज करने की, और सीपीयू चेंज किया तो नॉलेज पे बहुत, क्योंकि सीपीयू चेंज करने के बाद सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना फ्लैशिंग और प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना, किसका? विदाउट सॉफ्टवेयर विदाउट प्रोग्रामिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू जस्ट पुट ऑन सीपीयू ऑन योर मोबाइल एंड नथिंग, कुछ भी नहीं होना, नथिंग सिर्फ या तो लोगों पर स्टक हो जाएगा या तो लोगों पर भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमको बहुत ईमानदारी से जितना सिखा रहे उस पर फोकस करो। टुडे यू फोकस ऑन व्हाट यू आर अर्न, अभी क्या अर्न किए, कुछ भी एक सेकेंड ऊपर मत सोचो, आज का पढ़ लो, आज के दिमाग में रखो, क्योंकि कल का कल में पढ़ेंगे। ठीक है, जाओ एंड जाके अभी दीपक सर।